फोर्स जो लगा दी गई है पुलिस के बिना, और हर गांव के अंदर घेराबंदी की हुई है। उसके बाद भी यहां पर हजारों नौजवान हर रोज आता है और मोर्चे को मजबूती देता है, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं इस प्रेशर को कब तक दबाओगे? अगर इस प्रेशर को ज़्यादा दबाओगे इसका नुकसान सरकार को और ज़्यादा होगा और भुगतना पड़ेगा। सब ये जो मांगे हैं, कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है कोई हमने अपने पास से दी है, ये सभी की सभी मांगे सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर और पिछले आंदोलन के अंदर हमारे साथ लिखती वादे किए हुए हैं। अगर इन लोगों से पूछो भी हमने कोई डिमांड बाहर से नहीं है, आपने हमारे साथ वादे किए हैं, आपने हमारे साथ लिखित के अंदर फैसले किए हैं, तो फिर उन फैसलों के ऊपर आज आप इस तरह से फोर्स बल प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? इतना तसद्दुद हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। जो हमने किसी से कमिटमेंट की है वो हम कमिटमेंट की बात भी नहीं पूछ सकते, इतना अत्याचार। लेकिन किसान और मजदूर और सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं, बता देना चाहते हैं सरकार को, ये मत सोचे भी यहाँ पर थोड़ी गिनती है, ये 50,000 लोग हैं, नहीं, ये 70 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जो 10-10,000 रुपये के लिए किसान आत्महत्या करता है, वो देखना है उन किसानों को और मजदूरों को आत्महत्या ना करनी पड़े, वो हमारे किसान और मजदूर उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनके बुजुर्ग अच्छे हॉस्पिटल में दवाई ले सकें, उनकी लड़ाई है, ये कारपोरेट घरानों की खिलाफ लड़ाई है। इसलिए आप सभी से अपील भी है, आप इस आंदोलन की मजबूती के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, और सभी किसान साथियों से भी अपील है कि जथेबंदियों की जो भी कॉल आए उसके मुताबिक काम करें। और शाम को जो मीटिंग है उसके लिए भी कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर कुछ मानना है तो वहां पर मीटिंग करने का फायदा होगा, लेकिन इन किसान जथेबंदियों को उनके साथ फोटो खिंचवाने का किसी तरह का विचार नहीं है। बोलो भाई, आप सभी प्रेस वालों का धन्यवाद जी, आप हमारी आवाज देश प्रदेश में उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर साढ़े किसी बच्चे तो गलती हुई उसकी असं माफ़ी मांगते हैं, तुम अपने मन में नहीं रखनी यह जी गल, जो जे जुल्म ढाया जा रहा है, जो जे साढ़े तो जुल्म हो रहा है, असं एक आम जनता है, असं उस सरकार के आम जनता हाँ, उन्होंने साड़ी रखवाली करनी होंगी है, जो सानू प्यार नाल इतों साड़ी सुरक्षा करके दिल्ली पहुँचा दे, इस दी बजाए वो साढ़े अगे रुकावटा खड़िया करके साढ़े रुकावटा साढ़े तो गोले बरूद बरसा रहे हैं, यह एक दूजे देश वर्गा साढ़े नाल बर्ताव हो रहा है, और सानू तो इस समय इस तरह महसूस हो रहा है कि वह सानू आम जाता दबा के वह कारपोरेट घराणियां अगे लिया चाहते हैं, जो साड़ी पहला खालसा सी वह सच साबित हो रहा है। दोबारा तुहाडा फिर धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, परमजीत सिंह किसान मजदूर मोर्चा से। लगभग सभी बात तो हो गए हैं, लेकिन जो मीडिया में एक चल रही थी कि टकराव के जगह बातचीत को अपनाया जाए, बातचीत को अपनाया जाए, तो हम लोगों ने जो 12 तारीख की बैठक हुई थी उसमें भी हम लोग कहते कि बातचीत हमारा कभी नहीं रुकेगा, लेकिन हम मोर्चा को आगे बढ़ाए थे, बातचीत उस दिन भी तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। एक और भी कल आपने देखे थे कि एक मंत्री जी का बयान आया था, उनका ये कहना था कि ये लोग हर बार एक नई मुद्दा जोड़ देते हैं। मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जो 8 तारीख के पर्चे निकालिए, फिर 12 तारीख को निकालिए, और आज जो डेलीगेशन जा रही बात करने के लिए उस पर्चे को निकालिए, एक भी सवाल अलग से हम नहीं जोड़ेंगे, जो दिया गया है वही है, और जो भी मुद्दे है वो सब राष्ट्रीय स्तर का है, किसी पंजाब, किसी हरियाणा, किसी राजस्थान और बिहार का मुद्दा नहीं उठाया गया है, वो उठाते तो कई पेज हो जाते। तो मेरा ये कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से आ रहे हैं, हम कोई जीरा भी नहीं जा रहे हैं कि हाँ हम अड़े हुए हैं, पॉजिटिव से आ रहे हैं, लेकिन सरकार भी ये सोच के आए कि हम सॉल्यूशन देने आ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं, मीडिया में एक प्रोपगेंडा खड़ा करने के लिए नहीं, एक एजेंडा सेट करने के लिए नहीं, बल्कि हम किसानों के साथ इस उम्मीद से चले वहाँ दिल्ली से जिससे कि कोई हल निकल सके। हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि हम किसानी को बचा सके, हमारे पास जो भी मुद्दे हैं वो किसानी के बचाने के लिए, सरकार की जो योजना है वो किसानी को नष्ट करने के लिए है। अगर हम आज नहीं चेते तो किसानी ही खत्म हो जाएंगे, तो इसी कारण हम लोग का एक स्लोगन चलता है, नो फार्मर नो फूड, तो इसी कारण इसी शब्दों से मैं अपनी विराम देता हूं, और उम्मीद है कि आज पॉजिटिव में कुछ हल निकलेगा। जिस तरह दिखा रहे ना एस एल आर का, एक दिन है बहुत ज्यादा रौंद मिली है किसानों, ठीक है, मैं लगे मैं पता उन्होंने। हां जी, मैं जसवीर सिंह सिद्धू को सूबा सीनियर मीत प्रधान पंजाब भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू को
ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਾਜ ਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखिए अभी मीटिंग तो पहलों को रिजल्ट कढ़ना ठीक नहीं हैगा, मीटिंग होगी दिल्ली जाने वाली गल साडे हाथ च है, उदों बाद दोवें फोरम फैसला करनगे। हाँ जी जी, धन्यवाद जी, सारे शुक्रिया। हरियाणा के अंदर किया हुआ है, जितना जोर है सरकार ने उतना लगा दिया, फोर्स लगा दी गई है पुलिस के बिना, और हर गांव के अंदर घेराबंदी की हुई है। उसके बाद भी यहां पर हजारों नौजवान हर रोज आता है और मोर्चे को मजबूती देता है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, इस प्रेशर को कब तक दबाओगे? अगर इस प्रेशर को ज़्यादा दबाओगे, इसका नुकसान सरकार को और ज़्यादा होगा और भुगतना पड़ेगा। सब ये जो मांगे हैं, कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है, कोई हमने अपने पास से दी है, ये सभी की सभी मांगें सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर और पिछले आंदोलन के अंदर हमारे साथ लिखती वादे किए हुए हैं। अगर इन लोगों से पूछो भी, हमने कोई डिमांड बाहर से नहीं है, आपने हमारे साथ वादे किए हैं, आपने हमारे साथ लिखित के अंदर फैसले किए हैं, तो फिर उन फैसलों के ऊपर आज आप इस तरह से फोर्स बल प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना तसद्दुद हम अपनी बात भी नहीं रख सकते? जो हमने किसी से कमिटमेंट की है, वो हम कमिटमेंट की बात भी नहीं पूछ सकते? इतना अत्याचार। लेकिन किसान और मजदूर और सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं, बता देना चाहते हैं सरकार को, ये मत सोचे भी यहाँ पर थोड़ी गिनती है, ये 50,000 लोग हैं, नहीं, ये 70 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जो 10-10 हजार रुपये के लिए किसान आत्महत्या करता है, वो देखना है उन किसानों को और मजदूरों को आत्महत्या ना करनी पड़े, वो हमारे किसान और मजदूर उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनके बुजुर्ग अच्छे हॉस्पिटल में दवाई ले सकें, उनकी लड़ाई है, ये कारपोरेट घरानों की खिलाफ लड़ाई है। इसलिए आप सभी से अपील भी है, आप इस आंदोलन की मजबूती के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, और सभी किसान साथियों से भी अपील है कि जथेबंदियों की जो भी कॉल आए उसके मुताबिक काम करें। और शाम को जो मीटिंग है उसके लिए भी कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर कुछ मानना है तो वहां पर मीटिंग करने का फायदा होगा, लेकिन इन किसान जथेबंदियों को उनके साथ फोटो खिंचवाने का किसी तरह का विचार नहीं है। आप सभी प्रेस वालों का धन्यवाद जी, आप हमारी आवाज देश प्रदेश में उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर साढ़े किसी बच्चे तो गलती हुई उसकी असी माफ़ी मांगते हैं। तुम अपने मन में रखनी यही जी गल, जो जे जुल्म ढाया जा रहा है, जो जे साढ़े तो जुल्म हो रहा है, असी एक आम जनता है, असी उस सरकार दे आम जनता हाँ, उन्होंने साड़ी रखवाली करनी होंगी है, जो सानू प्यार नाल इतों साड़ी सुरक्षा करके दिल्ली पहुँचा दे, इस दी बजाए वो साढ़े अगे रुकावटा खड़िया करके साढ़े रुकावटा साढ़े तो गोले बरूद बरसा रहे हैं, यह एक दूजे देश वर्गा साढ़े नाल बर्ताव हो रहा है। और सानू तो इस समय इस तरह महसूस हो रहा है कि वह सानू आम जनता दवा के वो कारपोरेट घराणियां नू अगे लियाना चाहते हैं, जो साड़ी पहला खदशा सी वो सच साबित हो रहा है। दोबारा तुहाडा फिर धन्यवाद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, परमजीत सिंह किसान मजदूर मोर्चा से। लगभग सभी बात तो हो गए हैं, लेकिन जो मीडिया में एक चल रही थी कि टकराव के जगह बातचीत को अपनाया जाए, बातचीत को अपनाया जाए, तो हम लोगों ने जो 12 तारीख की बैठक हुई थी उसमें भी हम लोग कहे थे कि बातचीत हमारा कभी नहीं रुकेगा, लेकिन हम मोर्चा को आगे बढ़ाए थे, बातचीत उस दिन भी तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। एक और भी कल आपने देखे थे कि एक मंत्री जी का बयान आया था
उनका ये कहना था कि ये लोग हर बार एक नई मुद्दा जोड़ देते हैं। मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जो 8 तारीख के पर्चे निकालिए, फिर 12 तारीख को निकालिए और आज जो डेलीगेशन जा रही बात करने के लिए, उस पर्चे को निकालिए, एक भी सवाल अलग से हम नहीं जोड़ेंगे, जो दिया गया है वही है और जो भी मुद्दे है वो सब राष्ट्रीय स्तर का है, किसी पंजाब, किसी हरियाणा, किसी राजस्थान और बिहार का मुद्दा नहीं उठाया गया है, वो उठाते तो कई पेज हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से आ रहे हैं, हम कोई जीरा भी नहीं जा रहे हैं कि हम अड़े हुए हैं, पॉजिटिव से आ रहे हैं, लेकिन सरकार भी ये सोच के आए कि हम सॉल्यूशन देने आ रहे, टाइम पास करने के लिए नहीं, मीडिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए नहीं, एक एजेंडा सेट करने के लिए नहीं, बल्कि हम किसानों के साथ इस उम्मीद से चले वहाँ दिल्ली से जिससे कि कोई हल निकल सके। हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि हम किसानी को बचा सके। हमारे पास जो भी मुद्दे हैं वो किसानी के बचाने के लिए, सरकार की जो योजना है वो किसानी को नष्ट करने के लिए है। अगर हम आज नहीं चेते तो किसानी ही खत्म हो जाएंगे, तो इसी का हम लोग का एक स्लोगन चलता है, नो फार्मर नो फूड। तो इसी कारण, इसी शब्दों से मैं अपनी विराम देता हूँ और उम्मीद है कि आज पॉजिटिव में कुछ हल निकलेगा। एक पता नहीं और बेनती है कि जिस तरह तुम रौंद खा रहे ना एस एल आर का, एक तो नहीं गा बहुत ज्यादा रौंद मिलेगा किसानों। ठीक है, मैं लगे मैं पता हूं। हां जी, मैं जसवीर सिंह सिद्धू को सूबा सीनियर मीत प्रधान पंजाब भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू को। असी 9 तारीख को रैली कढ़ी सी बहादुरगढ़ तो, जदों असी बहादुरगढ़ तो घनौर तो इत्थों हुंदे होए इत्थे पहुंचे, 9 तारीख नूं ही बैरीकेडिंग करी हुई सी पूरे बड़े ढंग नाल। असी हैरान है इस गल तो, असी भी देश का हिस्सा है, किसान सानू अपने हिस्सेदार समझना चाहिए। जदों कोई दिक्कत आती उदों तो जय जवान जय किसान के नारे लवाए गए। असी फूड भंडार दे विच किन्ना हिस्सा पाया, साडे देश नूं भुखमरी दे विचों कढ़िया। अज साडे नाल इहो जिहा तशद्दुद क्यों, इहो जिहा पक्षपात क्यों करिया जांदा, उल्टा साडे ते इल्जाम लाया जांदा कि किसानां दी बदौलत जिहड़ा रस्ता बंद होया। जदकि 5 दिन पहलां 9 तरीक नूं इत्थे पूरे बैरीकेडिंग असी देख के गए सी जिहड़े इत्थे लगे होए सी। मैं तां इन्ना ही कहिंदा होया आख्या, मैं तां आजाद कहां वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। देखिए, अभी मीटिंग तो पहलो को रिजल्ट कढ़ना ठीक नहीं हैगा, मीटिंग होगी दिल्ली जाने वाली गल साडे हाथ च है, उस तों बाद दोवें फोरम फैसला करनगे। हाँ जी जी, धन्यवाद जी, सारे शुक्रिया शुक्रिया। हरियाणा के अंदर किया हुआ है, जितना जोर है सरकार ने उतना लगा दिया, फोर्स लगा दी गई है पुलिस के बिना, और हर गांव के अंदर घेराबंदी की हुई है। उसके बाद भी यहां पर हजारों नौजवान हर रोज आता है और मोर्चे को मजबूती देता है, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, इस प्रेशर को कब तक दबाओगे? अगर इस प्रेशर को ज़्यादा दबाओगे, इसका नुकसान सरकार को और ज़्यादा होगा और भुगतना पड़ेगा। सब ये जो मांगे हैं, कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है, कोई हमने अपने पास से दी है, ये सभी की सभी मांगे सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर और पिछले आंदोलन के अंदर हमारे साथ लिखती वादे किए हुए हैं। अगर इन लोगों से पूछो भी, हमने कोई डिमांड बाहर से नहीं है, आपने हमारे साथ वादे किए हैं, आपने हमारे साथ लिखित के अंदर फैसले किए हैं, तो फिर उन फैसलों के ऊपर आज आप इस तरह से फोर्स बल प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? इतना तशद्दुद हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। जो हमने किसी से कमिटमेंट की है वो हम कमिटमेंट की बात भी नहीं पूछ सकते, इतना अत्याचार। लेकिन किसान और मजदूर और सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं, बता देना चाहते हैं सरकार को, ये मत सोचे भी यहाँ पर थोड़ी गिनती है, ये 50,000 लोग हैं, नहीं, ये 70 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जो 10,000 रुपये के लिए किसान आत्महत्या करता है, वो देखना है उन किसानों को और मजदूरों को आत्महत्या ना करनी पड़े, वो हमारे किसान और मजदूर उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनके बुजुर्ग अच्छे हॉस्पिटल में दवाई ले सकें, उनकी लड़ाई है, ये कारपोरेट घरानों की खिलाफ लड़ाई है। इसलिए आप सभी से अपील भी है, आप इस आंदोलन की मजबूती के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, और सभी किसान साथियों से भी अपील है कि जथेबंदियों की जो भी कॉल आए उसके मुताबिक काम करें। और शाम को जो मीटिंग है उसके लिए भी कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर कुछ मानना है
तो वहां पर मीटिंग करने का फायदा होगा, लेकिन इन किसान जथेबंदियों को उनके साथ फोटो खिंचवाने का किसी तरह का विचार नहीं है। आप सभी प्रेस वालों का धन्यवाद जी, आप हमारी आवाज देश प्रदेश में उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर साढ़े किसी बच्चे तो गलती हुई उसकी असं माफ़ी मांगते हैं। तुम अपने मन में नहीं रखनी यह गल, जो जे जुल्म ढाया जा रहा है, जो जे साढ़े तो जुल्म हो रहा है, असं एक आम जनता है, असं उस सरकार दे आम जनता हाँ, उन्होंने साड़ी रखवाली करनी होंगी है, तो सानू प्यार नाल इत्थों साड़ी सुरक्षा करके दिल्ली पहुँचा दे, इस दी बजाए वो साढ़े अगे रुकावटा खड़िया करके साढ़े रुकावटा साढ़े ते गोले बारूद बरसा रहे हैं। यह एक दूजे देश वर्गा साढ़े नाल बर्ताव हो रहा है, और सानू तो इस समय इस तरह महसूस हो रहा है कि वह सानू आम जनता दबा के वह कारपोरेट घराणिया अगे लियाना चाहते हैं, जो साड़ी पहला खालसा सी वह सच साबित हो रहा है। दोबारा तुहाडा फिर धन्नवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, परमजीत सिंह किसान मजदूर मोर्चा से। लगभग सभी बात तो हो गए हैं, लेकिन जो मीडिया में एक चल रही थी कि टकराव के जगह बातचीत को अपनाया जाए, बातचीत को अपनाया जाए, तो हम लोगों ने जो 12 तारीख की बैठक हुई थी उसमें भी हम लोग कहे थे कि बातचीत हमारा कभी नहीं रुकेगा, लेकिन हम मोर्चा को आगे बढ़ाए थे, बातचीत उस दिन भी तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। एक और भी कल आपने देखे थे कि एक मंत्री जी का बयान आया था, उनका ये कहना था कि ये लोग हर बार एक नई मुद्दा जोड़ देते हैं। मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जो 8 तारीख के पर्चे निकालिए, फिर 12 तारीख को निकालिए, और आज जो डेलीगेशन जा रही बात करने के लिए उस पर्चे को निकालिए, एक भी सवाल अलग से हम नहीं जोड़ेंगे, जो दिया गया है वही है, और जो भी मुद्दे है वो सब राष्ट्रीय स्तर का है, किसी पंजाब, किसी हरियाणा, किसी राजस्थान और बिहार का मुद्दा नहीं उठाया गया है, वो उठाते तो कई पेज हो जाते। तो मेरा ये कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से आ रहे हैं, हमको जीरा भी नहीं जा रहे हैं कि हम अड़े हुए हैं, पॉजिटिव से आ रहे हैं, लेकिन सरकार भी ये सोच के आए कि हम सॉल्यूशन देने आ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं, मीडिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए नहीं, एक एजेंडा सेट करने के लिए नहीं, बल्कि हम किसानों के साथ इस उम्मीद से चले वहाँ दिल्ली से जिससे कि कोई हल निकल सके। हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि हम किसानी को बचा सके। हमारे पास जो भी मुद्दे हैं वो किसानी के बचाने के लिए, सरकार की जो योजना है वो किसानी को नष्ट करने के लिए है। अगर हम आज नहीं चेते तो किसानी ही खत्म हो जाएंगे, तो इसी कारण हम लोग का एक स्लोगन चलता है, नो फार्मर नो फूड। तो इसी कारण इसी शब्दों से मैं अपनी विराम देता हूं, और उम्मीद है कि आज पॉजिटिव में कुछ हल निकलेगा। पता नहीं, बेनती है कि जिस तरह तुम रौद खा रहे इस एलआर का, एक तो नहीं गा बहुत ज्यादा रौंद मिली है किसानों को, ठीक है। मैं लगे मैं पता हूं, हां जी, मैं जसवीर सिंह सिद्धू को सूबा सीनियर मीत प्रधान पंजाब भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। असीं 9 तरीक नूं रैली कढ़ी सी बहादुरगढ़ तों, जदों असीं बहादुरगढ़ तों घनौर तों इत्थों हुंदे होए इत्थे पहुंचे, 9 तरीक नूं ही बैरीकेडिंग करी हुई सी पूरे वड्डे ढंग नाल। असीं हैरान है इस गल तों, असीं भी देश दा हिस्सा हां, किसान सानूं अपने हिस्सेदार समझना चाहिए। जदों कोई दिक्कत आउंदी उदों तो जय जवान जय किसान दे नारे लवाए गए ने। असीं फूड भंडार दे विच किन्ना हिस्सा पाया, साडे देश नूं भुखमरी दे विचों कढ़िया, अज साडे नाल इहो जिहा तशद्दुद क्यों, इहो जिहा पक्षपात क्यों करिया जांदा, उल्टा साडे ते इलजाम लाए जांदे कि किसानां दी बदौलत जिहड़ा रस्ता बंद होया, जद कि 5 दिन पहलां 9 तरीक नूं इत्थे पूरे बैरीकेडिंग असीं देख के गए सी, जिहड़े इत्थे लगे होए सी। मैं तां इन्ना ही कहिंदा होया, आख्या मैं तां आजाद कहां, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, अभी मीटिंग तो पहलो कोर रिजल्ट कढ़ना ठीक नहीं हैगा, मीटिंग होगी दिल्ली जाने वाली गल साडे हाथ च है, उदों बाद दोवें फोरम फैसला करनगे। हाँ जी जी, धन्यवाद जी, सारे शुक्रिया। हरियाणा के अंदर किया हुआ है, जितना जोर है सरकार ने उतना लगा दिया, फोर्सेज लगा दी गई है पुलिस के बिना, और हर गांव के अंदर घेराबंदी की हुई है। उसके बाद भी यहां पर हजारों नौजवान हर रोज आता है और मोर्चे को मजबूती देता है, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, इस प्रेशर को कब तक दबाओगे? अगर इस प्रेशर को ज़्यादा दबाओगे, इसका नुकसान सरकार को और ज़्यादा होगा और भुगतना पड़ेगा। सब ये जो मांगे हैं, कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है
कोई हमने अपने पास से दी है। ये सभी की सभी मांगें सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर और पिछले आंदोलन के अंदर हमारे साथ लिखती वादे किए हुए हैं। अगर इन लोगों से पूछो भी हमने कोई डिमांड बाहर से नहीं है, आपने हमारे साथ वादे किए हैं, आपने हमारे साथ लिखित के अंदर फैसले किए हैं, तो फिर उन फैसलों के ऊपर आज आप इस तरह से फोर्स बल प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? इतना तसद्दुद हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। जो हमने किसी से कमिटमेंट की है वो हम कमिटमेंट की बात भी नहीं पूछ सकते, इतना अत्याचार। लेकिन किसान और मजदूर और सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं, बता देना चाहते हैं सरकार को, ये मत सोचे भी यहाँ पर थोड़ी गिनती है, ये 50,000 लोग हैं, नहीं, ये 70 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जो 10-10 हजार रुपये के लिए किसान आत्महत्या करता है, वो देखना है उन किसानों को और मजदूरों को आत्महत्या ना करनी पड़े, वो हमारे किसान और मजदूर उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनके बुजुर्ग अच्छे हॉस्पिटल में दवाई ले सकें, उनकी लड़ाई है, ये कारपोरेट घरानों की खिलाफ लड़ाई है। इसलिए आप सभी से अपील भी है, आप इस आंदोलन की मजबूती के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, और सभी किसान साथियों से भी अपील है कि जथेबंदियों की जो भी कॉल आए उसके मुताबिक काम करें। और शाम को जो मीटिंग है उसके लिए भी कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर कुछ मानना है तो वहां पर मीटिंग करने का फायदा होगा, लेकिन